जय हिंद प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं आपके बोर्ड परीक्षा का पेपर। जी हां, आपका विज्ञान का पेपर है 4 अप्रैल को और मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है बिना कुछ भी विज्ञान के पेपर के बारे में जाने वहां पर चले जाएं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूं आपके पेपर में कैसा आएगा, क्या आएगा, सब कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। बस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आप सब कुछ अच्छे से जान सकें कि विज्ञान के पेपर में क्या क्या चीजें आने वाली है, कैसे आने वाले हैं क्वेश्चन, सब कुछ आपका पूरा लेवल A to Z आपको पता चल सके। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और देखिए क्या लिखा हुआ है। सेम यही विज्ञान का पेपर आपका आने वाला है, जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है बोर्ड परीक्षा का, कक्षा 10वीं के लिए है ये वीडियो, क्लास 10th के लिए सेम का सेम जो है यही बोर्ड परीक्षा में सब कुछ लिखा रहेगा। आपको वहां पर जब देखने को मिलेगा तो वहां पर लिखा रहेगा आपको बोर्ड परीक्षा, उसमें जो है आपका विज्ञान का विषय रहेगा। विज्ञान में आपको पता है 3 खंड होते हैं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी, ठीक है ना। आपका यहां पर समय लिखा रहेगा लेफ्ट साइड में, जो कि रहेगा आपका, देखिए समय क्या लिखा हुआ है, 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है ना, 3.25 घंटे का आपका समय रहेगा। पूर्णांक जो है आपका 70 नंबर का रहेगा। यहां पर कुछ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, निर्देश दिए होते हैं, जिनको पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है और आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जरूर से जरूर यहां पर पढ़िएगा। आप बिना इंस्ट्रक्शंस को पढ़े हुए आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करना है। पहले आप जब तक पूरे निर्देश पढ़ मत लीजिएगा, उसके आगे मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो भी चीजें आपके पूरे पेपर में की गई है वो सब चीजों के बारे में यहां पर अच्छे से बताया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग के 15 मिनट जो रहता है वो पेपर को पढ़ने के लिए रहता है, तो पक्का है आप पहले पेपर को पढ़िएगा। 3.25 घंटे में से 15 मिनट आप निकाल दीजिएगा पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक है। इतना अगर आप किए रहेंगे तो आप क्वेश्चन का जो है लेवल चेक कर सकेंगे, कैसे क्वेश्चन है क्या नहीं, सब कुछ आप अच्छे से पता लगा सकेंगे। उसके बाद आप पेपर करना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है निर्देश में, आपका पहला जो है लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। किसके लिए होते हैं? प्रारंभ का जो आपका 15 मिनट है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं आपका, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका दूसरा वाला निर्देश है वो क्या है, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का, ख तथा गा में विभाजित है। किसमें विभाजित है? 3 खंडों का, ख तथा गा। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए फिजिक्स होता है आपका, इसमें केमिस्ट्री होता है और इसमें बायोलॉजी होता है, मतलब कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान, इन 3 खंडों में जो है आपका पेपर विभाजित रहता है, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए मैं आपको क्यों पढ़ रहा हूं ये निर्देश, इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि जब भी आप पेपर देने के लिए जाएं तो ये सब चीजें पढ़ने में आपको उतना ज्यादा समझने में टाइम ना लगे। बस आप थोड़ा ऊपरी ऊपरी निगाह से देखिए क्या लिखा हुआ है, आप सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, ताकि आपको वहां पर ज्यादा समय ना देना पड़े अगर आप यहां पर समय दे लेंगे तो, ठीक है ना। जो आपका तीसरा है वो क्या है, प्रत्येक खंड का प्रथम प्रश्न बहुविकल्पी है, बिल्कुल राइट है। उसके बाद जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए हैं, सही उत्तर विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये सब बहुत ही कॉमन सी चीजें दी हुई हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए। जो आपका चौथा पॉइंट है वो क्या है, देखिए प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक नए खंड, देखिए प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाएगा, ये भी श्योर है। जो आपका खंड का है वो नए पृष्ठ से होगा, जो खंड खा है वो भी नए पृष्ठ से स्टार्ट होगा, नए पृष्ठ से स्टार्ट होगा, खंड गा भी ऐसे नए पृष्ठ से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या है पांचवा आपका, सभी प्रश्न अनिवार्य रहे, ये भी आपको पता है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख जो है दिए गए हैं, ये श्योर है। उसके बाद फिर आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब सेम इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे मैं स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करूंगा तो इसमें जो है जिसके सामने देखिए अंक लिखा हुआ है, इससे आपको बहुत बड़ा जो है आइडिया लग जाएगा आपको कि कैसा पेपर आपको आने वाला, इससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। देखिए जैसे कि ये खंड का रहेगा, उसके बाद फिर यहां पर प्रश्न नंबर 1 रहेगा, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, कहने का मतलब ये जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, देखिए कितना है, पहला जो आपका प्रश्न रहेगा वो बहुविकल्पीय रहेगा, जिसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4, ये 4 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो कि सब जो है एक एक अंक के होंगे, सबके सामने उनका अंक जो है निर्धारित रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो आपका प्रश्न संख्या 2 रहेगा, उस प्रश्न संख्या जो 2 रहेगा उसका लेवल कुछ इस तरह का रहेगा और वो आपका 2 नंबर का होगा, इस लेवल का रहेगा। इसका क्या मतलब है, देखिए कहने का मतलब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपका 2 नंबर का है तो थोड़ा सा तो बड़ा क्वेश्चन होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद जो आपका देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, चित्र भी थोड़ा सा दिया हुआ है, इसमें देखिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश भी कर लीजिएगा, नहीं तो आपके नोटबुक्स में तो ये सब लिखा ही होगा, बहुत ही आसान है। इसको आप विद्या क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में, मैं कोई स्पेशली आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको जो है ले सकते हैं, आप उसे जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका खा प्रश्न रहेगा, गा प्रश्न रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपको प्रश्न संख्या 2 रहेगा, उस प्रश्न संख्या 2 में 2 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 2 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जब आप बोर्ड परीक्षा में जाएंगे, वहां पर आपका जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपका जो 4-4 नंबर का रहेगा, कितने नंबर का रहेगा? 4-4 नंबर का। और यहां पर आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, जो खंड देखिए तीसरे में जो है का दिया रहेगा, का में जो है 1 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको वो आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है अथवा करके दिया रहेगा। अगर देखिए जैसे कि न्यूमेरिकल वाला प्रश्न है, देखिए प्यारे बच्चों अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको न्यूमेरिकल का जो है वीडियो चाहिए, तो मैं न्यूमेरिकल पर आधारित आपको पूरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल ही लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें कि आपके पूरे फिजिक्स के
न्यूमेरिकल को मैं खत्म कर दूंगा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मस्त मस्त ट्रिक्स के माध्यम से। मैं आपका पूरा का पूरा जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वाले सवाल है वो सारे के सारे मैं खत्म कर दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको वो वाला वीडियो चाहिए, अगर चाहिए तो मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा जिसमें मैं पूरा का पूरा जो है न्यूमेरिकल कवर कर दूंगा। तीसरे प्रश्न का ये दो जो है लिखा रहेगा आपका प्रश्न, देखिए इसमें से एक का हो गया और जो कि अथवा करके दिया है चार नंबर का है। उसके बाद इसमें देखिए अगला प्रश्न कौन सा, इसमें आपका खा रहेगा, मैंने अभी आपको बताया था ना, इसमें दो प्रश्न रहेगा, एक का वाला हो गया और ये वाला जो है खा वाला हो गया। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न रहेगा क्योंकि आपका चार नंबर दे रहा है, या तो न्यूमेरिकल टाइप से कुछ भी हो जाएगा या तो जो है थोड़ा सा जो है एक्सप्लेनेशन मांग लेगा, थोड़ा सा विस्तार अर्थात व्याख्या मांग लेगा क्योंकि आपका चार नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी इसकी, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर चार रहेगा, जो आपका चौथा प्रश्न रहेगा वो आपका कितने नंबर का होगा, देखिए तीन दो पांच, पांच दो सात, आपका सात नंबर का जो है चौथा प्रश्न रहेगा जिसमें कि आपका अथवा करके दिया रहेगा, किसमें दिया रहेगा अथवा में दिया रहेगा। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है आपका और प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका चौथा प्रश्न रहेगा जो कि आपका सात नंबर का रहेगा, अगर वो प्रश्न आपका सात नंबर दिला रहा है तो इसका मतलब उस प्रश्न में थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही, थोड़ा सा कठिन तो होगा ही, तो उसका मतलब है कि आपको जो इसी लेवल के क्वेश्चन तैयार करने, इसी क्वेश्चन बैंक, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन बैंक के मॉडल पेपर पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा है, उसी के माध्यम से आपको जो है क्वेश्चन को देखना है और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है ताकि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। दो प्रश्न रहेंगे, आपको कोई एक करना रहेगा चौथे में से। उसी तरीके से आपका देखिए खंडका, यहां देखिए खंडका यहां से स्टार्ट होता है जिसमें आपका केमिस्ट्री का पूरा दिया हुआ है, केमिस्ट्री में भी आपका स्टार्टिंग में पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, उसमें से एक 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 नंबर का रहेगा सब आपका, मतलब कि अगर तीन बहुविकल्पीय प्रश्न है तो आपका तीन नंबर बन गया। उसके बाद प्रश्न संख्या छह यहां से शुरू होगा, छठवें में क्या रहेगा आपका, देखिए डियर स्टूडेंट्स छठवें में आपका रहेगा दो नंबर का, दो नंबर का, दो नंबर का, मतलब कि तीन प्रश्न रहेंगे तीनों जो है दो दो नंबर के रहेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं आपका अगला क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं अगला क्या है, अगले में जो है आपका सातवां रहेगा, सातवां प्रश्न जो आपका रहेगा लिखा है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इसमें केवल रासायनिक समीकरण देना है आपको, ये दो नंबर का रहेगा। उसके बाद आपका जो खा वाला है इसमें देखिए जैसे कि लिखा है एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्म के रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी आपको दो नंबर का रहेगा। जो आपका आठ नंबर आएगा प्रश्न संख्या जो आपका आठ आएगा उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा जो है देखिए जैसे कि लिखा हुआ है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, उसी प्रकार से भर्जन से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से आपका एक नंबर की है, दो नंबर की है, दो नंबर की है, दो नंबर की, मतलब कि जो आपका आठवां वाला प्रश्न है इसमें आपको अथवा करके दिया रहेगा। देखिए यह तो आप वो लिख सकते हैं या तो इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना रहेगा, एक्सप्लेनेशन के रूप में आप इन पर थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, तो उसमें भी आपको दो 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 देखिए नंबर मिल जाएगा, एक में तीन नंबर मिल जाएगा जो थोड़ा सा बड़ा होगा, दो दो चार, चार तीन सात, सात नंबर का आपका लॉन्ग वाला प्रश्न रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी दे सकता है, चाहे रासायनिक अभिक्रिया लिखवा सकता है, चाहे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखते हैं जो खंड गा है, जो गा है इसमें क्या है, मुकुलन पाया जाता है, देखिए जो मुकुलन पाया जाता है ये इसमें आपका नौवां प्रश्न रहेगा जो कि आपका बहुविकल्पीय पद आधारित रहेगा। देखिए एक एक नंबर के सारे हो गए, एक एक नंबर के आपके चार क्वेश्चन है ये, तो चार नंबर बन गया आपका। उसके बाद जो आपका लास्ट है, देखिए डियर स्टूडेंट्स जो लास्ट है उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड जो है ये क्या है, दसवां जो प्रश्न है, दसवें प्रश्न में क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दें, कहने का मतलब ये है कि आपका दो दो नंबर का प्रश्न रहेगा। जो आपका प्रश्न संख्या दस रहेगा आपके बोर्ड परीक्षा में जब आप जाएंगे, जो आपको देखने को मिलेगा प्रश्न संख्या दस, उसमें दो दो नंबर के प्रश्न रहेंगे जो कि तीन टू रहेंगे, ठीक है ना, क ख ग करके। और जो ग्यारह नंबर है, ग्यारह में क्या रहेगा आपका, क ख, इसमें जो है अथवा करके दिया रहेगा जो कि चार चार नंबर के होंगे। देखिए तीन प्लस एक मतलब एक प्लस तीन जो है चार हो गया आपका, चार नंबर का ये है, चाहे तो आप इसको कर सकते हैं अथवा आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इस वाले में इसको कर सकते हैं अथवा जो है आप इसको कर सकते हैं, परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। मैंने सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपको करा रखा है प्रीवियस वीडियोस में, आप उन वीडियोस को देख करके अच्छे से आप अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है आपका चार चार नंबर का हो गया। अब ये सबसे बड़ा नंबर रहेगा, देखिए मतलब कि सब में चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, इन सब में जो लास्ट का क्वेश्चन रहेगा आपका वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और बहुत अच्छा नंबर दिला के जाएगा, अर्थात आपका सात नंबर दिलाएगा। देखिए तीन दो पांच, पांच दो सात हो गया, इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं अथवा में दिए हैं, चाहे जो आप लिख सकते हैं, सात नंबर का प्रश्न रहेगा, आप करके आएंगे आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। हमने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है अदर वीडियोज में कि आपको कैसे पेपर में लिखना है, तो आपको पूरा नंबर देगा एग्जामिनर। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप किस तरीके से प्रश्न को लिख करके आएंगे ताकि एग्जामिनर जो है आपको फुल मार्क्स देगा, बिल्कुल भी आपका नंबर नहीं काटेगा, सारा चीज हमने आपको बता रखा है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, लगे रहिए मेहनत करते रहिए, बहुत जल्दी आपका बोर्ड पेपर हो जाएगा विज्ञान का भी। उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से आपने हिंदी में किया अपना बेस्ट, उसी प्रकार से आप अपना जो है विज्ञान में भी अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।